खरगोन में सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए स्ट्रीट चिल्ड्रन सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर अनुग्रह पी ने मोर्चा संभाला और मैदानी अमले के साथ सर्वे पर निकली, जिसकी शुरुआत नवग्रह मंदिर से की गई। नवग्रह मंदिर यहां बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति कर रहे पालकों को शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए बच्चों को स्कूल आंगनवाड़ी भेजने की अपील की। उन्होंने कहा प्रशासन बच्चों को गोद लेकर उन्हें भोजन कपड़े किताबों के अलावा आर्थिक मदद भी मिलेगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सुधा मोहिते ने बताया कि कई बच्चों के दस्तावेज नहीं हैं और कई बच्चे स्कूल छोड़ भिक्षावृत्ति या मजदूरी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। कलेक्टर के साथ शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग और खाद्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल रही। मिलेंगे बच्चे रहेंगे तो ढंग से उनको पाल पोस पाओगे आप? क्या काम करते हैं वो देख लो, ठीक है। अगर मजदूरी करना चाहते हैं, आपकी कोई स्लीपर टैक्सी लगाना चाहते हो तो इसमें एक फैमिली में एक एक का लगाना है, चार स्लीपर का लगाना है, समझ रहे ना। और इनकी छुट्टी करा लें घर में, ठीक है। हम पूरा सर्वे करने के लिए आएंगे, उस समय इनके साथ सहयोग करना चाहिए आपको। कलेक्टर मैडम द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रंस का सर्वे करवाया गया था, जिसमें 12 बच्चे चिन्हित हुए थे खरगोन और आसपास के क्षेत्र के। तो आज कलेक्टर मैडम खुद देखने गई थी सर्वे में। सबसे पहले तो हम लोग नवग्रह मंदिर गए हैं। नवग्रह मंदिर में भी बहुत सारे बच्चे पाए गए हैं और कलेक्टर मैडम के साथ में पूरा SDM साहब थे, CMHO साहब थे और CMO का मैडम, करीब करीब सभी विभाग के अधिकारी थे। और उनके पास जैसे वो भी क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास में तो राशन कार्ड था नहीं, आधार कार्ड था, और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए या उनको समझाने के लिए उनको स्कूल नहीं भेजने का कारण यही रहा है कि उनके घर में खाने का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो लोग भीख मांग रहे थे। इस तरह से उन लोगों ने बताया है। किस तरह के निर्देश दिए मैडम ने? मैडम ने निर्देश दिए कि इनके सारे कागज बनना चाहिए और इनका BPL कार्ड बनना चाहिए। इनको अति आवश्यक है BPL कार्ड, क्योंकि BPL कार्ड बनने से क्या होगा कि इनको अनाज मिलते रहेगा तो ये भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। और जो भी सुविधाएं शासन की है वो सारी सुविधाएं, जैसे स्कूल में बच्चों को भर्ती करवाना है और आंगनवाड़ी में भेजना है, जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। सामग्री का वितरण भी किया? हाँ, वहाँ पर बच्चों को जैसे सूत मिल के सामने एक परिवार है जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस में आई थी बच्ची गौरी, उनके पूरे परिवार को कपड़े दिए गए हैं और कपड़े साबुन वगैरह दिया गया है मैडम कलेक्टर द्वारा दिया गया। और उसके बाद में नवग्रह मंदिर में बच्चों को फल और बिस्किट बांटे गए हैं। कौन कौन सी संस्थाएँ इसमें? इसमें बाल कल्याण, महिला बाल विकास विशेष करके हैं, महिला बाल विकास ही पूरा काम कर रहे हैं, चाइल्ड लाइन इसमें पूरा काम कर रहा है और बाल कल्याण समिति भी पूरा इसमें काम करता है, क्योंकि बाल कल्याण समिति के पास ही 0 से लेकर 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनके संबंध में कार्य किया जाता है। उसी में स्ट्रीट चिल्ड्रंस बच्चों का सर्वे किया गया है और उनको चिन्हांकित किया गया है। उन्हें जो भी सुविधाएँ शासन तौर पर दी जाना है, स्पॉन्सरशिप है, वो भी उन लोगों को दी जाएगी जो उसमें पात्र हैं। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं मैडम कलेक्टर द्वारा कि सभी कागज बनने के बाद में इन्हें जो भी योजनाओं का लाभ जो शासकीय है सभी मिलेगा। क्या नाम पूरा? सुधा मोहिते, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।